Hello dear students, now we will study the concept of simple modules. Now look at the definition of simple module. Simple module or irreducible module. An R module M is called simple module if RMM is not equal to 0 and 0 and M are only R submodules of M. यानि कि सिंपल मॉड्यूल में ये कंडीशन है कि एक तो उसमें आर एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और उस जो मॉड्यूल एम है उसका और भी कोई और कोई सब मॉड्यूल ना होए उसके अलावा जीरो और एम के अलावा. अगर किसी मॉड्यूल एम का कोई भी सब मॉड्यूल ना हो एक्सेप्ट जीरो और एम के अलावा एंड आर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो देन वी कॉल इट इज़ अ सिंपल मॉड्यूल. यहाँ पे क्लेमा है, देखिए, प्रूव दैट नॉन जीरो सिंपल मॉड्यूल इज साइक्लिक. अगर कोई सिंपल मॉड्यूल है तो साइक्लिक होएगा पक्का. एम नॉन जीरो सिंपल आर मॉड्यूल ले लीजिए, एम नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो है, तो एक एक्स एलिमेंट होएगा जो जीरो के इक्वल ही उसको बिलोंग करेगा. हमने एक आर एक्स बनाया सेट जिसमें आर एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं. हम शो करेंगे ये आर एक्स क्या है, नॉन जीरो सब मॉड्यूल, एम का सब मॉड्यूल शो करने जाएंगे इसको. अब आर एक्स को जीरो को लिखते हैं जीरो इंटू एक्स, इसका मतलब जीरो एक्स आर एक्स को बिलोंग करने लगे, इसका आर एक्स नॉन एम्प्टी एलिमेंट हो गया. अब इसको सम मॉड्यूल प्रूव करना है. सम मॉड्यूल प्रूव करने के दो तरीके होते हैं. दो एलिमेंट्स लेंगे इसके, लेट ए एंड बी टू एलिमेंट्स, ए इज इक्वल टू आर वन एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा, बी इज इक्वल टू आर टू एक्स, दोनों का डिफरेंस किया उसी शेप में चला गया. आर इंटू ए किया, ए की वैल्यू पुट की तो ये उसी आर इंटू एक्स वन की शेप में चला गया. जो डेफिनेशन होती है सम मॉड्यूल की वो यहाँ पे लगाई गई है. तो इन दोनों स्टेप्स में हमारे पास आर एक्स सम मॉड्यूल हो गया, ठीक है जी. अब x हमारा 1 है, अगर x को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, आर एक्स को बिलोंग कर गया ही क्योंकि आर एक्स टाइप का बन गया. x नॉन जीरो, इसका मतलब आर एक्स नॉन जीरो हो गया. तो यानी कि x हमारा m का एलिमेंट था, इसका मतलब ये आर एम नॉट जीरो हो गया, क्योंकि ये कंडीशन होती है ना सम उसकी हमारे पास सिंपल की. अब ये m हमारा सिंपल, यहाँ पे सिंपल दिया गया, सिंपल मॉड्यूल है, और हमने ये भी शो कर दिया कि आर एक्स मेरा सब मॉड्यूल है, तो इसका मतलब ये आर एक्स पक्का m के इक्वल ही होएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा था कि उसमें जीरो और एम ही सब मॉड्यूल्स होंगे और कोई सब मॉड्यूल नहीं होएगा. इसका मतलब इस आर एक्स को या तो जीरो के इक्वल होना पड़ेगा या तो एम के इक्वल. जीरो के इक्वल हो नहीं सकता तो आर एक्स इज इक्वल टू एम हो गया. इसका मतलब एम के सारे एलिमेंट एक्स से जनरेट हो रहे हैं. ये लेमा अगली थ्योरम में यूज़ होएगा यहाँ वाली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप लोगों ने देखा 10 ईयर में आ रही है, दैट आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी एंड एम इज़ अ मॉड्यूल. हमें ये चीज़ें इक्विवेलेंट शो करनी है. इक्विवेलेंट का मतलब होता है पहला पार्ट लिया, दूसरा पार्ट प्रूफ किया, दूसरा लिया, तीसरा पार्ट प्रूफ किया, और इसका रिवर्स भी करना होता है प्रूफ. मान लीजिए पहले दूसरा प्रूफ करेंगे, फर्स्ट से सेकंड प्रूफ करने जा रहे हैं. एम सिंपल है, इसका मतलब आर एम नॉट जीरो हो गया. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये देखो लिखी हुई है यहाँ पे, एम नॉट जीरो है. अगर एक्स नॉन जीरो एलिमेंट लिया एम, तो आर एक्स एक सब मॉड्यूल बनेगा एम का. ये हमारा रिजल्ट यहाँ से आया है, पिछले से ऊपर वाले से, ठीक है. तो एम सिंपल है, इट कैन नॉट हैव नॉन ट्रिवियल, क्योंकि एम सिंपल होता है उसमें सब मॉड्यूल्स होते नहीं है. इसका मतलब ये जो आर एक्स हमने माना है सब मॉड्यूल, वो एम के इक्वल ही होएगा. तो अगर आर एक्स एम के इक्वल हो गया तो एम इज जनरेटेड बाय एक्स हो गया. तो ये पार्ट प्रूव हो गया सिंपल. अब इसका रिवर्स कर लेते हैं. हमारे पास ये चीज़ है, हम शो करेंगे एम सिंपल है जी. मान लीजिए एक एन एक आर सब मॉड्यूल एम का है, तो एक एक्स नॉन एन एलिमेंट लेते हैं एन में जो नॉट जीरो के इक्वल है. अगर एक्स एन को बिलोंग करेगा तो एक्स एम को भी बिलोंग करेगा, ठीक है. तो एक्स एलिमेंट एम को बिलोंग कर गया. अब सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, एम इज जनरेटेड बाय एक्स, तो एम को लिख सकते हैं आर एक्स, एम को लिख सकते हैं आर एक्स. तो यानी कि ये जो आर एक्स है ये हो गया वन इंटू एक्स. तो आर एक्स एन को बिलोंग करने लग गया क्योंकि एन में एक्स एलिमेंट है, पर आर एक्स है एम के इक्वल, तो एम सबसेट ऑफ एन हो गया. एक तरफ एन एम का सबसेट है, एक एम एन का, तो एम इज इक्वल टू एन ही आ गया. यानी कि जो सब मॉड्यूल एन लिया था एम का उसके इक्वल निकल के आ गया. इसका मतलब एम में कोई सब मॉड्यूल नहीं है जी. इट मीन्स एम इज सिंपल हियर, प्रूव हो गया इन कन्वर्स. आगे पहले से थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे. अब पहले से दूसरे में हमारे पास एम इज इक्वल टू आर एक्स आ गया. अब थर्ड पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, वट इज़ दिस आइसोमार्फिज्म. तो मुझे मैप बनाना पड़ेगा आर से एम. तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स होमोमॉर्फिज्म प्रूव की गई है, ऑन टू प्रूव किया गया, फंडामेंटल थ्योरम लगा के ये रिजल्ट प्रूफ हो गया आपका. क्योंकि एम सिंपल है तो आर अपॉन आई भी सिंपल मॉड्यूल हो गया यहाँ पे, ठीक है जी. अब इसका रिवर्स कर दो जी. आई मैक्सिमम लेफ्ट आइडल ऑफ आर ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है. आर इज़ द ओनली लेफ्ट आइडल प्रॉपर्टी कंटेनिंग है, तो आर बटा आई यू आई का सब मॉड्यूल होएगा. पर इसका कोई सब मॉड्यूल होता नहीं है आर आई का. अगर इसका कोई सब मॉड्यूल नहीं है तो इसका मतलब आर आई सिंपल मॉड्यूल हो गया. तो आर आई एम के आइसोमॉर्फिज्म में है, तो इज इक्वल टू एम बी सब मॉड्यूल हो गया. तो थर्ड से फर्स्ट पास का रिवर्स प्रूफ हो गया यहाँ पे.
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा, ये करना ही करना है आपने थ्योरम। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और करने जा रहे हैं, सकूर्स लेमा। एम इज अ सिंपल आर मॉड्यूल, आपको शो करना है होमोमॉर्फिज्म। एम टू एम इज अ डिविजन रिंग, हमें पता है होमोमॉर्फिज्म ये रिंग होती है क्योंकि हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है या 8 नंबर में आता है तो रिंग प्रूव करके दिखा सकते हो आप। अब नॉन एम्प्टी एलिमेंट है इसमें 0, 5 नॉन जीरो एलिमेंट लिया इसका। अब हमें पता है कर्नल फाई और इमेज फाई यानी कि रेंज स्पेस, ये क्या होते हैं, सम मॉड्यूल्स होते हैं एम के। अब पर हमें एम यहाँ पे सिंपल दिया गया है, इसका मतलब ये सम मॉड्यूल्स या तो 0 के इक्वल होंगे या तो एम के इक्वल होंगे, क्योंकि जो सम सिंपल मॉड्यूल होता है उसमें दो ही बातें होती हैं कि उसमें दो ही सम मॉड्यूल होते हैं 0 और एम। तो ये हमने दो ही सम मॉड्यूल माने हैं ये वाले दोनों भाई, या तो 0 और एम के इक्वल होंगे ये भी, या 0 और एम के इक्वल होंगे। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो फाई आपका 0 हो जाएगा, फाई तो 0 मैप हो नहीं सकता। इसका मतलब कर्नल फाई सॉरी अगर कर्नल फाई एम के इक्वल हो गया इसका मतलब सारे एलिमेंट 0 को जाने लग गए हैं, विच इज़ नॉट ट्रू। तो कर्नल फाई 0 के इक्वल मान लिया, इसका मतलब वो वन वन मैप हो गया। अगर इमेज 0 हो गया तो फाई 0 बन जाएगा, क्योंकि ये इमेज का मतलब है उसके इमेजेस। तो इमेजेस को इमेज फाई को एम के इक्वल मान लिया गया। अगर कोई इमेज फाई एम के इक्वल होता है तो उसको ऑन टू बोलते हैं। इसका तरह ये मैप 1 1 ऑन टू हो गया। अगर कोई मैप 1 1 ऑन टू होता तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये रियल रिंग थी, इसमें हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करने लग गया, तो इसको बोलेंगे डिविजन रिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको बेटा तैयार कीजिए टॉपिक को।